अरे बाबा धुएं उड़ गए यार, धुएं ही उड़ गए। ये जो अभी रोड देख रहे हो ना, ये सबसे अच्छी रोड है पिन वैली की, और अभी ये 5 मीटर पहले चालू हुई है। ओहो हो हो, हाथ में दर्द यार, पूरा एक्सीलेटर क्लच, एक्सीलेटर क्लच पूरा दर्द हो गया है। क्या क्या बाबा गजब ही रोड है। आप जो रोड आई है ये थोड़ी सी रोड दिखी है हमें, इससे पहले पूरा ऑफ रोडिंग था। बताऊँ कितना, 1 मीटर को 20 किलोमीटर ऑफ रोड करके आ रहे हैं। ओहो, अभी एक अच्छी वैली वूली दिख रही है, सुंदर दिख रहा है थोड़ा सा मामला, फिर वही हो जाएगा जैसे पहाड़ों पे चढ़ेंगे। यार सुसु इतनी लग रही है, भयंकर लग रही है, किडनी ज्यादा काम कर रही है, क्या हो गया समझ नहीं लग रहा इतनी सुसु। ओ 13 किलोमीटर, फिर वही गटर 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 गटर, वापिस भी आना है, मालूम नहीं क्या वापिस आएंगे नहीं आएंगे। अब जाके हरे हरे घास के मैदान दिखे बड़े देर में, पहाड़ों पे भी जरा सी घास दिखी है। मैं तो ये पिन वैली की पिन ढूंढ के रहूंगा कहाँ है। देखो खेती हो रही है सुंदर सुंदर, वाह छोटा सा गांव, नाम भी इसका पढ़ा था मैं भूल गया हूँ अभी क्या नाम है। अरे नहीं से यहाँ बर्फ नहीं गिरती पता है, पूछो कैसे, वो ऐसे कि इनके घरों के छत को देख के मैं बता सकता हूँ, ये ऐसे ऐसे वाली छतें नहीं है। ओ यस, अभी हमको पहला व्यू मिला ग्लेशियर का, ये राइड में फर्स्ट टाइम, यहाँ थोड़ा सा ग्लेशियर जो नीचे तक आया है, ऊपर माउंटेन्स में स्नो दिखनी चालू हो गई है, वैली की खूबसूरती बढ़ती जा रही है, आप लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे, है ना। चलो बाकी चलते हुए दिखाते हैं। आगे चलते हैं यार, 9 किलोमीटर रह गया, वहीं चलते हैं सीधा। अब क्या फिर रुकेंगे तो फिर लेट होते जाएंगे। वाह क्या सुंदर साफ पानी है, क्या यार बार बार रुकेंगे ना तो अंदर से ही बहुत लेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा है 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर पहुंच जाते हैं फटाफट, और उसके बाद वहां जाके रेस्ट करेंगे सीधा। सो एवरीवन दिस इज मधु विलेज, मड विलेज इंग्लिश में, और ये भी लास्ट विलेज है इस सर्किट का, इसके बाद सिर्फ ट्रैकिंग करके आप जा सकते हो, और ये 34 किलोमीटर जिंदगी भर याद रहेंगे, ऐसी धमाकेदार रोड। बस यहाँ एक कैंटीन में रुके, भूख बहुत ज़ोर से लग रही, कुछ खाएंगे थोड़ी देर, और उसके बाद वापस काजा जाने की तैयारी है हिम्मत जुटा के। अपडेट, अब हम रुक रहे हैं यही मड विलेज, इससे नीचे ऊपर वापस काजा नहीं जा रहे। पहला कारण ये कि जगह बहुत सुंदर है, और दूसरा अब चलाने का मन भी नहीं है बिल्कुल, दूसरा रीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दीपक बता दे नीचे जाने की, ये जगह सुंदर है, ये रीज़न ज़्यादा, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ तो इसकी खूबसूरती को ढंग से निहारेंगे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ के, उसके बाद कल कॉमिक हिकिंग होते हुए काजा। यार वाकई खूबसूरत है, देखो ये देखो पूरा घुमा के दिखाता हूँ, रुको है ना, कह रहा हूँ जबरदस्त। ऑल राइट पीपल, जैसे मैंने बताया था ना कि हमने मन विलेज में रुकने का प्लान किया है, थक गए थे, मन भी नहीं था चलाने का, और जगह भी खूबसूरत है, तो एक छोटा सा रूम हमने ले लिया है। ये रूम मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉशरूम क्लियर है, लेकिन वॉशरूम का गेट ना छोटा सा है, ये देखो मिर्ज़ापुर के फर्स्ट पार्ट वाला, सेकंड पार्ट वाला सॉरी। और तो ये रूम हमें पड़ा है 800 रुपये का। चलिए अब बाहर चलते हैं। क्या बोल रही है, इधर कैमरे में देख के बोल सुमित्रा, अभी बोलो बर्फ़ का पानी आ गया, बहुत बर्फ़
अपना पूरा नाम बोल एक बार। सुमित्रा। सुमित्रा, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं सुमित्रा। ओके बाय बाय बाय। वही बना रहा हूँ भाई। अब वक्त है थोड़ा सा साइट सीइंग करने का, शांति से वक्त बिताने का। बहुत अच्छी जगह है। और अब नीचे उतर के हम नदी की तरफ जा रहे हैं, वैली में नीचे की तरफ में। हम पे कुछ फ़ोटो वोटो लेंगे अच्छी सी और थोड़ा सा अच्छा समय बिताएंगे, फिर ऊपर आएंगे। खाने पीने के लिए तो बोल दिया है, कोई वैसे ही खाने पीने के मामले में कोई ज़्यादा परेशानी आई नहीं इस पूरे ट्रिप में अभी तक। तो अच्छा खाना मिल रहा है, चाय बहुत अच्छी मिल रही है पूरे रास्ते में। अरे तो खेत आ गए किसी चीज़ की। ओके, मटर, मटर के खेत में ये देखो, ये मटर के खेत हैं। और नीचे उतर रहे हैं वैली की तरफ, फिर वहाँ से शानदार शानदार व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस, मैं तो घुस गया हूँ कम्बल में, ठंड बहुत है। हम अभी भी खाना खा के आए हैं, तो अभी शाम को मैंने नहाया गर्म पानी से अच्छे से, डिनर हमारा हो गया है। ठंड बहुत है, ऊपर नीचे ज़्यादा बार हो गया ना, सांस फूल रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल जो प्लान है वो ज़्यादा लंबा है, निकल का दिन हमारा काफ़ी छोटा है, तो कल थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला डे रहेगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट, टेक केयर।